नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। आज से हम अपना एक नया शो लेके आए हैं जिसका नाम है टू दी पॉइंट। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इस शो का मतलब ये रहेगा कि पूरे दिन भर के सारे खबरों का निचोड़ इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कम समय में, क्योंकि भागदौड़ का समय है, किसी के पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता कि हर खबर का विस्तार से जाने या पढ़े या देखे। तो टू दी पॉइंट, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि टू दी पॉइंट का मतलब ही यही रहेगा कि दिन भर के खबरों का विश्लेषण कम से कम समय में आप तक पहुंचाने का कोशिश हम लोगों की रहेगी, हमारी टीम की रहेगी, और केसरी की पूरी टीम इसके लिए मेहनत कर रही है। और इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है, कुछ न्यूज़ आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने चल रहा है यूपी के प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका नाम अब बदल के प्रयागराज हुआ है, वहाँ फाफामऊ तहसील है, वहाँ पे शमशान घाट पे दाह संस्कार करने वाले एक व्यक्ति और एम्बुलेंस चालक के बीच कमीशनखोरी का मामला सामने आया है। कमीशन के चक्कर में एम्बुलेंस चालक एक ही व्यक्ति के पास शव लेकर जा रहे हैं। मतलब अव्वल दर्जे की हरामखोरी शुरू हो गई है। आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र पीएम ने दिया था, लेकिन ऐसे नहीं दिया था कि लाशों के साथ हम गिद्ध बन जाएं। और बताइए कि कितना भयानक मामला है, कितना भयावह सोच के भी हमें वो हो रहा है कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, बताइए हम कहाँ आ गए हैं कि लाशों के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, कमीशनखोरी कर रहे हैं। वो एम्बुलेंस चालक जो है वो सिर्फ एक ही सौदाह के पास जो व्यक्ति है सौदाह कर रहा है उसी के पास ले जा रहा है, क्योंकि वो उसे कमीशन सेट किया हुआ है और वो दो दो तीन तीन घंटे, चार चार घंटे, छः छः घंटे तक लाइन लगवा रहा है। बताइए कमीशनखोरी की ये हाल है कि हम गिद्ध गिद्ध बन गए हैं, क्या हो गए हम। ये हम सबसे खूबसूरत, हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, सबसे खूबसूरत संस्कृति सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता हम लोगों की है। वसुधैव कुटुंबकम हम लोगों की विचारधारा रही है, मेन स्ट्रीम रहा है। और हम किस हद तक इस आपदा में, जब हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, वहाँ हम किस निचले स्तर तक गिर जा रहे हैं। और दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, ये चुनाव आयोग, जैसा कि आपने सुना होगा कल मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को हत्यारा तक कह दिया कि कोविड की दूसरी लहर के सबसे जिम्मेदार कोई है तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग चाहता तो वो पोस्टपोन भी कर सकता था, चुनाव इतने ज़रूरी नहीं थे जितने कि लोगों की जान है। खैर, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, असम में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में